हुए हैं जिन्होंने ये छोटा काम नहीं किया, ये साधारण लोगों की नजर में ये सारे प्रधानमंत्री नलायक लोग। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपका वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर होता था तो इतनी बड़ी ताकत ऑलरेडी खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल में बीजेपी को हरवाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं मोदी को दिल्ली में हरवा दे। रोजगार हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो सरकार कहती है चलो तो आपका अकाउंट नंबर है लिखवा दो, वो अकाउंट नंबर लिखवाता है, वो घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। कहते 6 महीने तक आपको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा और 6 महीने में आपको रोजगार दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा तो भत्ता बंद हो जाएगा। इतने प्रधानमंत्री हुए, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, इतना छोटा काम, इतना छोटा काम ये प्रधानमंत्रियों ने इतना छोटा काम नहीं किया। इसलिए कहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने ये छोटा काम नहीं किया, ये साधारण लोगों की नजर में ये सारे प्रधानमंत्री नलायक लोग हैं। इनको मैं नलायकी का सर्टिफिकेट देता हूं, ये नलायक लोग हैं। 75 साल तक इनको मौका मिला, इतना छोटा काम नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, गरीब के लिए विकास क्या करने का, जब ये काम नहीं है, इतने छोटे काम नहीं किए। तो इसलिए साथियों, इन लोगों को बदलना होगा। जब 75 साल तक इन लोगों ने आप लोगों के साथ धोखा किया, 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक मूल्यवान अधिकार दिया, वोट का अधिकार, तो आप लोग मानते हो वोट का अधिकार तो वोट देने का अधिकार है, गलत है। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर ये अधिकार दूसरों को बनाने के लिए होता था, ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपका वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर होता था, वो रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया। अब पहले होती थी, अब 2 मशीन है, एक मशीन ईवीएम मशीन है, अगर वो वोटों की चोरी करती है तो पेपर ट्रेल मशीन चोरी पकड़ने का काम करती है, ये मशीन लगाई गई है। तो इसलिए आप लोगों को पूरे ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ आने वाले समय में वोट का उपयोग और प्रयोग करना है शासक बनाने के लिए अपने लोगों। अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा बात, लंबी बात नहीं कहना चाहता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ये मान्यता है कि वो अकेले ही बीजेपी को परास्त कर सकती है, गलत बात है, 200% गलत है, बिल्कुल संभव नहीं है कि अकेले समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरवा देगी, गलत बात है। मेरे से स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेना, मैं 90 से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में 90 से संगठन ने मुझे यहां लगाया, तो 90 से मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के जमीनी हालात को। बीजेपी को अगर परास्त करना है तो महागठबंधन बनाना होगा। अभी हम लोगों ने 41 पार्टियों के मिलकर, एक पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया। हम वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा से इसका बाहर से समर्थन करेंगे, दूसरी ताकत। तीसरी ताकत बहुजन मुक्ति पार्टी की, जिसका 403 विधानसभा में
अगर किसी से गठबंधन होता है या नहीं होता है, 403 लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था, ऐसा नेटवर्क बन चुका है। अगर इसके साथ समाजवादी पार्टी आती है तो ये महागठबंधन होगा, बीजेपी 200% गारंटी से हार जाए। अगर इसके साथ में कांग्रेस आती है तो ये महागठबंधन होगा, बीजेपी हार जाएगी। महागठबंधन के बगैर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारने वाली नहीं है, और हम लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त करने के लिए महागठबंधन बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। तो इसलिए यकीन है, विश्वास है कि महागठबंधन बनेगा तो विकल्प खड़ा होगा, विकल्प खड़ा होगा तो ध्रुवीकरण होगा, ध्रुवीकरण होगा तो बीजेपी को परास्त करना संभव होगा, ऐसा करना होगा। हम अपने तरफ से ये करेंगे और आपको अपने अपने इलाके में इस परिवर्तन मोर्चा को गांव-गांव में फैलाना है और बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। आपके पास अभी समय है, बूथ लेवल का बहुत सारा बन चुका है, और जो जहां भी कमियां है, खामियां है, बूथ लेवल पर कमेटियां बनाओ, और जिस दिन वोट होगा उस दिन कोई आदमी काम पर नहीं जाएगा, घर में रहेगा, और जो वोट को नहीं जाएगा उसको घर से उठाकर वोट डालने के लिए लेके जाओ, उसको वोट डालने के लिए कहो, तैयारी करो। ऐसा करोगे उत्तर प्रदेश में आपका समाज, बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मिलकर बहुजन बनता है। शेड्यूल कास्ट अकेले बहुजन नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक ट्राइब, एमबीसी ओबीसी माइनॉरिटी, मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत, ये मिलकर बहुजन बनता है। और ये बहुजन देश का शासक वर्ग बनेगा तो हम खुद फैसला लेने लायक हो जाएंगे। अभी हम मांग कर रहे हैं कि ये करो वो करो, नहीं, हम खुद ही शासक वर्ग बनेंगे तो खुद ही फैसले लागू कर देंगे, खुद ही फैसले लेंगे। खुद फैसले लेने वाले हमें बनना है, और हमें किसी के पास जाकर टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। अभी टिकट छापने का कारखाना हमने ही खोल दिया है। अभी टिकट मांगने के लिए कहीं जाएंगे नहीं, हमारे लोगों को मांगने की बहुत आदत है, ये दो वो दो ये दो वो दो, मांगते रहते। अभी हमने मांगने का कार्यक्रम बंद कर दिया है, अभी टिकट हम खुद ही छाप रहे हैं और खुद ही टिकट हम अपने लोगों को देंगे। अभी टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, अभी हम मांगते रहना नहीं चाहते, मांगने वाले नहीं रहना चाहते, अब हम देने वाले बनना चाहते हैं। और इसके लिए फैसले करने वाला शासक वर्ग बनना होगा। ये बनाने के लिए ये मूवमेंट बनाई है, और पिछले 45 साल लगाकर हमने 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में इतना विशाल संगठन खड़ा किया है। तो इतनी बड़ी ताकत ऑलरेडी खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल में बीजेपी को हरवाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं मोदी को दिल्ली में हरवा दे, 200% गारंटी। मैं एक साथ यूपी और दिल्ली के लिए यूपी में काम कर रहा हूं। यूपी में हारेंगे तो दिल्ली में 200% हरवाएंगे, और दोनों को बंदोबस्त करने के लिए मैं यहां उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरा हुआ हूं। आप साथ सहयोग करोगे तो 200% गारंटी से सफलता मिलेगी, ऐसा आप करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।